Everyone, welcome to Shri Priti Education Online Classes. So from here we are going to start the structure of C program. So here we are going to see how we can structurize the program of C. How many sections are there in the C program? This is the basic structure. On the basis of this structure, we will make the programs. This is provided by the C, and we can see that this is governed by the C language. That is the basic structure for making all the programs that are related to the C. So here you can see, this is one of the include section. It is divided into six sections. The structure of C program is divided into the six sections, in which first one section is the include section. Second one section is the main function, that is the begin section. And third one is the variable declaration. Fourth one is program statement. And when we take it as a together, then we call it as a body of main function. The second part is, and the third one is the other functions definition, or we can say that this is the sixth section. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि C के द्वारा जो structure provide किया गया है, C के द्वारा एक structure provide किया गया है कि भाई आपको इसी के basis पे सारे programs बनाने हैं, और ये एक predefined structure है. और अगर आपने क्या किया, अगर आपने अलग अलग बना दिया, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मान्य नहीं होगा. दिस स्ट्रक्चर इज नॉट टू बी, अगर कोई और स्ट्रक्चर आपने लिया तो दैट स्ट्रक्चर इज नॉट टू बी वैलिड फॉर द सी प्रोग्राम. तो वैलिड स्ट्रक्चर कौन सा होता है? एक आपने हार्श इंक्लूड सेक्शन यूज किया, दैट इज इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स फ्रॉम सी लाइब्रेरी. सी की लाइब्रेरी में से आप क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे. दैट इज लाइक इंक्लूड stdio.h होती है आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी. सो मैथ फंक्शन के लिए आप मैथ लाइब्रेरीज यूज करते हैं, मैथ्स की लाइब्रेरीज यूज करते हैं. ग्राफिक्स के लिए आप ग्राफिक्स की लाइब्रेरी यूज करते हैं. आफ्टर दैट आता है सेकेंड मेन फंक्शन. ये क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का. सी में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, मेन सेक्शन से. मेन फंक्शन जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, प्रोग्राम नहीं बनेगा, ना ही चलेगा. दैट इज द एंट्री पॉइंट होता है. और मेन हमेशा क्या, लोअर केस में लिखते हैं. अगर हमने कल बात करी थी, अगर हमने अपर केस में लिखा तो अपर केस में लिखेंगे अगर, तो क्या होगा, वहां पे एरर आ जाएगा. सेकेंड आपका बॉडी ऑफ मेन फंक्शन क्या, जब हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिए, ओपन कर्ली ब्रैकेट्स, दैट मीन्स कि अब यहाँ से हमारा बॉडी, मेन की जो बॉडी है वो स्टार्ट होने वाली है. बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर आपका कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लाइक जैसे कि डेटा टाइप के साथ हम वेरिएबल देंगे. एंड देन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगे, जैसे प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप. तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या यूजर से लेना चाहते हैं. फिर एंड हो जाएगा, हमने क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लिए. क्लोज कर्ली ब्रैकेट यूज करा, दैट मीन्स ये सिंबलाइज कर रहा है आपका एंड है. देन अदर फंक्शंस डेफिनेशन. अब जब हम फंक्शंस बनाएंगे तो स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को हमें बनाना पड़ेगा. जब हम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स बनाएंगे तो क्या होगा, उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, तो वहां से एग्जीक्यूशन होगा. ये भी हम आगे देखेंगे. तो ये एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जो सी ने हमें प्रोवाइड किया है. अगर हमने क्या कि भाई इंक्लूड सेक्शन हमने किया ही नहीं और प्रोग्राम बना दिया, तो क्या होगा, एरर होगा, चलेगा ही नहीं प्रोग्राम. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि here you can correct it. This is include. This is a typing error. After that, example of अब हम C program को किस तरीके से characterize कर रहे हैं. How we can characterize it here? Here you can see include हमने library, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि first section is the include section. That is the including header files from C library. से आप क्या करेंगे, header files को include करेंगे. Include stdio.h, that is standard input output header file हमने add कर ली. इंक्लूड सेक्शन जैसे मैंने बोला, फर्स्ट पार्ट के क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, दैट इज इंक्लूड सेक्शन. देन इंक्लूड कोनियो डॉट एच हमने कर दिया. अब यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा हो रहा है कि हमारा अब हमारा बिगिन हो रहा है सेक्शन. अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स होंगे, प्रोग्राम स्टेटमेंट होगा, है ना. तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का. मेनली एंट्री पॉइंट आ गई. अब हम मेन से क्या होगा, मेन एक डोर हो गया कि अब हम भाई अब हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं. हमने जो बेसिक चीजें थी इंक्लूड करवा ली अपने इंक्लूड सेक्शन में जाके. मेन सेक्शन हमारा बिगिन सेक्शन हो गया. अब हमने ओपन कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लिए. अब यहाँ पे हमने ओपन इंटीजर ए, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया हमारा. हमेशा ध्यान रखना होता है कि सेमीकॉलन से क्या होता है, सेमीकॉलन से टर्मिनेट होता है. प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम. प्रिंट एफ वैल्यू इज ऑफ ए%d. ए
तो ये क्या होगा, अब ये प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा और क्लोज कर दिया, दैट मीन्स बॉडी ऑफ मेन सेक्शन क्लोज हो गया। अब अगर हम सेक्शन में बात करें कि हमने कैसे किया, 6 सेक्शन बताए थे, तो सबसे पहला तो आपका इंक्लूड सेक्शन हो गया, दूसरा आपका मेन सेक्शन हो गया, तीसरा आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, हमने जो बोला था वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, चौथा आपका प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हो गए, यही चल रहा है, चौथा प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हो गए, एंड देन आपका यहाँ पे एंड हो गया। अब जब एंड हो गया, अब अभी हम फंक्शन डिक्लेरेशन तो नहीं कर रहे हैं, तो हम बाद में बात करेंगे फंक्शंस की, अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। तो ये हमने कैरेक्टराइज करके सी प्रोग्राम को सी के जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने कैरेक्टराइज कर लिया। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन दिस वी कैन मेक द प्रोग्राम्स, बेस्ड अपॉन दिस वी कैन मेक द प्रोग्राम्स। आफ्टर दैट नाउ अब हमने स्ट्रक्चर देखा, अब कुछ रूल्स भी तो होंगे कि भाई राइटिंग ऑफ सी प्रोग्राम्स के रूल्स क्या है, व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द सी प्रोग्राम्स। सो हियर यू कैन सी फॉलोइंग आर द रूल्स गवर्न टू राइट द प्रोग्राम्स। तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि हम सी प्रोग्राम्स के थ्रू कुछ गवर्न करें कि भाई कैसे रूल्स होने चाहिए, कि भाई सी प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। अब ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ सी मस्ट बिगिन विद द मेन फंक्शन। अब सारे के सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो मेन फंक्शन से बिगिन होते हैं, एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि भाई एंट्री पॉइंट होता है ये, फिर ऑल द स्टेटमेंट ऑफ सी आर रिटन इन मेन फंक्शन। तो जितने भी स्टेटमेंट हमने देखे वो कहाँ लिखे हुए हैं, सारे के सारे हमारे जो मेन स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, सारे के सारे मेन फंक्शन के अंदर हैं। ये क्या बता रहा है कि आपकी बॉडी ऑफ मेन स्टार्ट हो गई है और आपकी बॉडी ऑफ मेन क्लोज हो गई है। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि सी क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बी केयरफुल अबाउट द अपर केस एंड लोअर केस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अगर मेन को इस तरीके से लिख दिया, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एरर आ जाएगा कि भाई ये तो रॉन्ग है, ये क्या है, मेन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मेन हमेशा ये क्या है, ये रॉन्ग है, मेन कैसे लिखा जाएगा, दिस इज द राइट वे टू राइट द मेन फंक्शन। अब हम आते हैं कि हमेशा जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट होता है जो, वो हमेशा आपको सेमीकोलन से एंड करना है। इसमें क्या होता है कि सेमीकोलन एक्ट एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ये वाला, एक स्टेटमेंट हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी तो एक स्टेटमेंट ही है, प्रिंट एफ भी तो एक स्टेटमेंट है, ये भी तो एक स्टेटमेंट है। अब इन सबको टर्मिनेट करने के लिए हम क्या बता रहे हैं कि हमारा एंड हो गया, भाई प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो एंड हो चुका है। सो हियर वी यूज द सेमीकोलन टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज द ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। ओपनिंग ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस दैट डिफाइंस द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, और वी कैन सी दैट द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, कि भाई मेन फंक्शन डिफाइन बना लिया, अब उसकी जो बॉडी है वो ये है। देन हम कमेंट्स यूज कर सकते हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक नया यूजर होता है, एक नया प्रोग्रामर होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम समथिंग टू बी रिटन ऑन टू द अंडर टू द मल्टी लाइन कमेंट। हम मल्टी लाइन कमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिख के दे देते हैं, भाई अगर कोई नया बच्चा है उसको नहीं पता है तो हम क्या बताएंगे, उसको बताएंगे कि दिस इज अ डेटा टाइप। मल्टी लाइन कमेंट में हम करके लिख देंगे कि ये डेटा टाइप है इंटीजर, आफ्टर दैट ए वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो ये क्यों यूज किया हमने मल्टी लाइन कमेंट, ताकि वो इंटरप्रेट ना हो और उसको आउटपुट शो ना करे हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, ताकि आउटपुट स्क्रीन पे ना आए वो। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, ये सिंबल इज यूज, दिस सिंबल इज यूज फॉर द मल्टी लाइन कमेंट, एंड आफ्टर दैट दिस सिंबल इज यूज फॉर द सिंगल लाइन कमेंट। तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे बताते हैं, कि मल्टी लाइन हम कमेंट बताते हैं कि भाई ये आपका फॉरवर्ड स्लैश विद स्टार एंड स्टार विद फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बीच में आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आपको यूजर को समझाना है, ताकि वो आउटपुट स्क्रीन पे शो ना हो। अब ये हो गया आपके फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैशेस, आप ये यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट, भैया आपको यहाँ पे लिखना है कि दिस इज मैंडेटरी, हमें यहाँ पे लिखना है दिस इज मैंडेटरी, तो क्या हो जाएगा दिस इज मैंडेटरी। So, keywords can be used for any other purpose. That is, keywords can be used for any other purpose. Keywords क्या होते हैं? किसी भी purpose के लिए use नहीं किए जा सकते हैं. That is, they cannot be used purpose. That is, they cannot be used as a variable or function. कुछ keywords होते हैं जो यहाँ पे C में 32 keywords, predefined 32 keywords C में, आप उनको variable के name में, identifier के name में, constant ऐसा आप नहीं दे सकते हैं.
वो प्रीडिफाइंड है, वो प्रीडिफाइंड है, राइट? सो थैंक यू, प्लीज स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू.